महंगे वाहनों में सवार होकर शहर में हुड़दंग मचाने वाले छात्रों को थाने की सैर करना पड़ी। अम्बाझरी पुलिस ने 3 नाबालिग सहित 10 छात्रों पर कार्रवाई की है। अधिकांश छात्र संपन्न और शिक्षित परिवार के हैं। उन्हें लग्जरी वाहन में घूमकर हुड़दंग मचाने का शौक है। सभी छात्र अलग अलग वाहनों में अपने घर से रवाना हुए। धर्मपीठ में एक स्थान पर इकट्ठा होकर वह काफिला बनाकर शहर की सड़कों पर हुड़दंग मचाने लगे। वाहन की छत पर बैठकर अथवा खड़े होकर शोर शराबा मचाने लगे। 1 से 1.5 घंटे तक छात्रों का हुड़दंग चलता रहा। इस दौरान उन्होंने रील बनाकर उसे इंस्टाग्राम पर अपलोड किया। मंगलवार की सुबह नागरिकों ने इस बात की जानकारी पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार को दी। उन्होंने जोन 2 के DCP राहुल मन्ने को कार्रवाई के निर्देश दिए। क्लिपिंग की जाँच करके अम्बाझरी पुलिस ने 3 वाहनों को खोज निकाला। वाहन डिटेन कर अम्बाझरी थाने लाए गए। पुलिस ने वाहन में सवार छात्रों और उनके पालकों को भी थाने बुलाया। पालकों ने छात्रों के कृत्य की जानकारी होने से इनकार किया। DCP राहुल मन्ने ने नाबालिग को वाहन ड्राइविंग के लिए देना भी अपराध होने से पुलिस ने पालकों को मामला दर्ज करने की जानकारी दी। छात्रों को भी पुनः इस तरह का कृत्य करने पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी। आप ही शायद भूल रहे हैं मंत्री जी कि हर आखिरी शब्द के बाद एक फुल स्टॉप होता है और वो फुल स्टॉप हम हैं। हम पुलिस ने लापरवाही से ड्राइविंग करने और बगैर लाइसेंस के नाबालिगों को वाहन सौंपने का मामला दर्ज किया है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।